नागपुर के पालक मंत्री व राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने बुधवार को शहर में कानून व्यवस्था स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने ही विभिन्न भागों में जाकर जांच की और अनेक लोगों से बातचीत भी की। राउत के साथ विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजीव कुमार, पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय, अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर, राष्ट्रीय कांग्रेस अनुसूचित विभाग के समन्वयक राजेंद्र करवाड़े प्रमुख रूप से उपस्थित थे। डॉक्टर नितिन राउत ने घर के बाहर निकलने वाले नागरिकों से पूछा भी कि वे कहाँ जा रहे हैं, कुछ जरूरी काम है क्या। साथ ही किराना दुकान, सब्जी मार्केट, दुकानदार, फल विक्रेताओं से भी संवाद साधा और किसी भी तरह की परेशानी हो तो बताने के लिए भी कहा। उसके बाद उन्होंने पूछताछ भी की। सीताबर्डी उड़ान पुल के नीचे गरीब निराधार व्यक्तियों को खाने की सुविधा हो रही है या नहीं। संविधान चौक, इंदौरा चौक, जरीपटका मार्केट, ऑटोमोटिव चौक, कलमना रोड, पार्डी, वर्धमान नगर, ऐसे कई जगहों पर उन्होंने प्रत्यक्ष जाकर नागरिकों, दुकानदारों से संवाद कर परिस्थिति का जायजा लिया। लॉकडाउन के समय किराना दुकान, दूध, सब्जी और फल, दवाइयां जैसी भी जीवन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और अत्यावश्यक सेवाएं जारी रखने के संदर्भ में प्रशासन को जरूरी एहतियात बरतने का आदेश डॉक्टर नितिन राउत ने दिया। लॉकडाउन जनता रस्त्यावर नाही आणि जे एसेन्शियल कमोडिटीचे शॉप्स आहेत, व्हेजिटेबल शॉप्स आहेत, ते उघडे आम्ही बघितलेले आहे। खरं म्हणजे आज गुढीपाडव्याचा नवीन वर्षाचा दिवस, सगळ्यांना माझ्या शुभेच्छा तर आपणास आहेतच, नागपूरच्या जनतेलाही शुभेच्छा आहेत। परंतु त्यांनी जे औदार्य दाखवलं या कोरोना महायुद्धामध्ये, त्यात निश्चितपणे मी त्यांना अत्यंत नम्रतापूर्वक त्यांचं धन्यवाद या ठिकाणी मानू इच्छेन। नागपूरकर अजूनही आमच्यासोबत आहेत, आपल्या घरात आहेत आणि सुरक्षित आहेत, एवढंच मी या प्रसंगी सांगेन। काल जेव्हा प्रधानमंत्र्यांनी 21 दिवसाचा जो लॉकडाऊन डिक्लेअर केला होता, तेव्हा थोडंसं पॅनिक निर्माण झालेलं होतं। परंतु आमच्या जिल्ह्याच्या प्रशासनानं, पोलीस आयुक्त, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्त या सर्वांनी मिळून संयुक्तपणे त्याच्यावर नियंत्रण केलं। लोकांना समजवून सांगितलं की तुम्ही घाबरू नका, शांतता बाळगा। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इन बी सी एन न्यूज, नागपूर।